हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माइंदवासी। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जब तक ये वीडियो आपके पास मैं बाद में अपलोड करूँगी करके सोची थी, ये वीडियो जब तक यूट्यूब पे आएगी तब तक तो मैं कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर निकल चुकी होंगी, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये वीडियो लेट डालूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने के बाद ही ये वीडियो डालूँगी, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये वीडियो जब आपके यूट्यूब पे आएगी तब तक मैं यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर निकल जाऊँगी। बहुत सारे जनों ने जैसे ही मैंने पहली वीडियो डाली थी तो मैसेज आ गए थे, अरे मैम आप अचानक से जा क्यों रही हैं 9वें महीने में। क्या हो गया ना, बहुत सारे जन अपने औकात भूल गए हैं, सब सोच रहे हैं कि ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगी, क्या कर सकती है, ये किस तरह से कर सकती है। मतलब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से किसी को मतलब अपनी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बोल के क्या कर देंगे। मैं तो कल ही बोली हूँ कि हम पंडित हैं, हम अघोरी हैं, हमसे डॉक्टर से पुलिस से पंगा लेना अच्छा नहीं है। आप लोगों को गालियों से मारते हैं, हम तो स्माइल करके अपने मंत्रों से मारते हैं। और जो काम करने में जा रही हूँ, कुछ ऐसे लोगों की पोल खोलने जा रही हूँ, कुछ ऐसे लोगों का काम करने जा रही हूँ जिससे सबका स्वाहा हो जाएगा। बीच में एक बात बताऊँगी, बीच में भी हमारे एक पहचान वाले कोई थे, जान पहचान वाले के वकील ने, क्योंकि उन्होंने थोड़ा नाटक किया, सामने वाले हमारे लोगों से खूब पैसा लिया और उनका काम नहीं किया, बाद में पता चला उसे कोरोना हो गया, क्योंकि पैसे हजम नहीं होते। विद्या देवी के पैसे जब किसी के पास जाते तो हजम ही नहीं होते हैं, उसको कहते ना उसको थोड़े की जगह बहुत भरना पड़ गया। मैं एक ही बात बोलूँगी, ईमानदारी से काम करो, अच्छा काम करो, और दूसरी बात, काम करोगे तो गिफ्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं। और दूसरी बात, जो मुझे अंडरस्टैंडमेंट करते हैं ना, तो मैं खुली किताब के जैसे फ्री हूँ एकदम, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे लिए बोल के कुछ नहीं कर सकता, जितना बोलना है बोलो। लेकिन ये जो पोल खोलने वाली बात है ना, क्योंकि बहुत सारे जनों ने जो बोला ना, नाजायज वाजायज, ये उनके लिए। और एक मैंने आपको एक बार बहुत पहले बताया था कि एक समुद्री जीन होता है जो समुद्र के जरिए बाहर आता है, वो ऐसा होता है कि समुद्र के जरिए जब बाहर आता है तो ज़मीन के रास्ते अच्छे अच्छों के बैंड बजा जाता है। तो उस जीन को ही लेने जा रही हूँ और कुछ लोगों को सबक सिखाने जा रही हूँ कि अगर कुछ लोगों ने ठीक से अपना काम नहीं किया तो उसको विद्या देवी ठीक कर देगी, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। जो लोगों ने मेरे बच्चे को नाजायज खाया उनको बराबर कर दूंगी मैं। और दूसरी बात, कुछ ऐसी शक्ति लेने जा रही हूँ, शक्ति बहुत ही बड़ी है अपने आप में, ये आने के बाद मेरे केशों के लिए गिफ्ट है कि वो शक्ति केशों के साथ ज़्यादातर रहेगी और कुछ लोगों की बोलती बंद कर देगी, यानी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति जल्दी कोई पा नहीं पाता है, इस शक्ति को जिसने पा लिया वो त्रिलोक के विजय हो जाता है, मतलब इस दुनिया के तीनों लोगों की शक्ति उसके हाथ में होती है। तो आने के बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या लेने गई थी और मैं क्या करके आई और कितने लोगों को सबक सिखा के आई हूँ, ये आने के बाद पता चलेगा। मेरे आने तक तो बहुत कुछ बदल चुका रहेगा, तो इन लोगों को सबक सिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासी।